हाय दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाला हूं इस वीडियो में। ये समी प्लांट को लेकर देख रहे हैं, ये समी प्लांट बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और मैं काफ़ी दिनों से इसको इस गमले में ग्रो कर रहा हूं। काफ़ी अच्छा और सेहतमंद ये प्लांट हमें लग रहा है, पर पिछले कुछ दिनों से मैं इसमें एक कमियाँ, मतलब एक रोग बोल सकते हैं, हम देख रहे हैं इसको, जो आज हम इस वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और कुछ बहुत हद तक मैं इसका हल भी निकाल लिया हूं। देख रहे हैं ये इसके जो पत्ते हैं सिकुड़ से जा रहे हैं, अपने आप में मर्ज होते जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। बहुत ही ख़राब लगता है देखने में, और पता नहीं ये कौन सा फंगल रोग लगा है इसको। तो हम और भी नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ पत्ते को हम पहले रिमूव कर लें, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। और इस प्लांट को दोस्तों मैं एक्चुअली बॉन्साई के लिए ही लिया हूँ, और आगे चल के इसको बॉन्साई बनाऊँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, ऐसा अगर रोग लगता है प्लांट में और एक प्लांट ख़राब हो जाता है तो काफ़ी ख़राब लगता है, क्योंकि एक प्लांट तैयार करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगता है। तो ये देख रहे हैं, शायद आपको समझ में आ रहा, पता नहीं आपके प्लांट में ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, पर मेरे प्लांट में हुआ और मैं आप लोगों को साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और इसका थोड़ा हद तक मैं हल भी निकाल चुका हूँ, जो कि इस वीडियो के साथ आपको दिखाना चाहूँगा। देख रहे हैं ना, और तो चलिए आगे हम दिखाते हैं कौन सा चीज़ मैंने यूज़ करके इस प्लांट को ठीक कर लिए हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक 2 लीटर का बोतल है और उसमें कुछ ग्रीन कलर का पाउडर। ये पाउडर कुछ भी नहीं है, ये साफ जो पाउडर होता है एंटीफंगल पाउडर, हमने उसी को हफ्ता में 2 या 3 दिन इस प्लांट में यूज़ किया। ठीक ऐसे ही अगर आपके प्लांट में भी ऐसा होता है तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं, शायद आपको भी परिणाम इसका अच्छा मिलेगा। तो हमें तो इसका लाभ मिला है। और एक बात बताना चाहूँगा, मिट्टी जब तक ड्राई ना हो तब तक इसे पानी मत दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोग और कुछ हद तक पत्ते झड़ जाना, ऐसे कुछ लगा ही रहता है इसी प्लांट में। तो जब तक मिट्टी ड्राई ना हो जाए तब तक इसे पानी मत दें। ऊपरी हिस्सा जब ड्राई हो, जब लगे आपको इसको पानी देना ज़रूरी है तभी दे। अनावश्यक अत्याधिक पानी इसमें ना दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इस प्लांट को बहुत सारे लोग पूजते भी हैं और हर रोज़ इसमें पानी देते हैं। तो पानी इतना भी ज़्यादा मत दे ताकि इस प्लांट में ऐसे रोग आते रहें। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो नमस्कार दोस्तों।